Guys, welcome back to my channel. So in today's video, I have a lingerie haul for you, and this time it's going to be more relatable. Plus, बहुत ज़्यादा practical चीज़ों की बात करने वाले हैं, because now that you know I'm married, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने मेरे wedding trousseau में add करी थी, और now that it's been 3-4 months, मैं आपको बता सकती हूँ कौन सी चीज़ें daily basis में मुझे काम आती हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने use किया था उसमें से, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि for the sake of it उसी के लिए ही रह गई और उसके बाद में मैंने कभी उनको use में नहीं लिया. Isn't it interesting? And also, तो कितने टाइम से थिएटर्स वगैरह सब बंद है, तो मतलब कोई ब्लॉकबस्टर देखने का मौका ही नहीं मिला. इस बार आप एंजॉय कर सकते हैं 2020 का ब्लॉकबस्टर GLF, जो कि है ग्रैंड लॉन्जरी फेस्टिवल. यस, यू हैड इट राइट, व्हिच मींस हर एज ग्रुप की वुमेन के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट. यहाँ पे हीरो होंगे, सपोर्टिंग एक्टर्स होंगे, विलन होंगे, सीन्स होंगे, कट्स होंगे, बहुत मजा आने वाला है. चलो पिक्चर स्टार्ट करते हैं. पिक्चर स्टार्ट करने से पहले इसकी बुकिंग्स तो करा लो. सिजवा में ग्रैंड लॉन्जरी फेस्टिवल स्टार्ट हो रही है 16 सितंबर रात को 8 बजे, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अप टू 60%, फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, और क्या चाहिए. इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर है 2020 का. Told you, let's start. GLF blockbuster के सबसे पहले हीरो ने एंट्री ले ली है, एंड दिस वन इज दिस ब्रा राइट हियर, विच इज नॉन वायर्ड. मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, प्लस इट हैज यू नो वेरी एवर सो स्लाइटली पैडिंग, कुछ भी अनवांटेड शो नहीं होने वाला है. एंड लुक एट द ब्यूटीफुल बैग इट हैज गॉट. आई मीन दिस साइज 32B इन दिस वन, और इसमें ना आप मतलब टैंक टॉप्स वगैरह भी इजिली पहन पाओगे. आई हैव दिस इन पर्पल कलर, इसमें आपको और भी 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे. यू हैव टू चेक दैट आउट. नेक्स्ट अप आई हैव दिस स्काई ब्लूइश कलर्ड ब्रा, जो कि मैंने इनके प्रिटी बैग ब्रा वाले सेक्शन में से ली थी. नाउ देयर हैज टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग, यू नो, जब उसकी बैग की बात करते हैं. सो लुक एट दैट, मतलब इतना खूबसूरत बैग है इसका. प्लस यहाँ पे ये जो लेस वर्क आपको मिलता है ना, ये लेस मटेरियल, इट्स सुपर सॉफ्ट टू टच फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस इट्स स्किन फ्रेंडली, मतलब बहुत ही ज्यादा सही रहने वाला है. रेगुलर आपको यू नो 1 लेवल का पुशअप मिलता है, विच इज अगेन यू नो फॉर यू नो रियली गुड फॉर एनहांस क्लीवेज एंड ऑल. एंड आई रियली लाइक द कलर ऑफ दिस वन. पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग गई हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब हर जगह मुझे कहीं ना कहीं लेस चाहिए ही होती है. एक और जो चीज मैंने नोटिस करी है लास्ट मिनट पे, वो है इसका ये ना प्लंजिंग नेक है, बहुत ज्यादा डीप कट है. तो जो डीप कट वाले टॉप्स होते हैं ना, उसके साथ में वेयर कर सकते हो. प्लस बैक के लिए आप चाहो तो जो बैक कटआउट वाले टॉप्स होते हैं ना, उसके साथ में वेयर कर सकते हो. प्लस रेगुलर आप टी शर्ट के साथ में वेयर कर सकते हो, मतलब कुछ भी लाइंस वगैरह, नथिंग, सीमलेस फिनिश. ऑलराइट गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा रियलिटी चेक हो जाए. मैंने मेरे वेडिंग ट्रूजों की शॉपिंग करी थी जिवामे से, और तब भी सेल चल रही थी, एंड आई पिक्ड अप बंच ऑफ थिंग्स, और इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, बिकॉज आई पिक्ड अप अ बंच ऑफ थिंग्स और उनको मैं रिपीटेटिव बेस पे ट्राई कर रही हूँ, डेली बेसिस पे उनको वेयर कर रही हूँ. एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देयर क्वालिटी, हाउ गुड दे आर. ट्रस्ट मी, लुक एट दिस ब्रा. I picked up this one in my wedding trousseau collection, और इसको मैं almost बहुत बार पहन चुकी हूँ, and the quality, the straps are intact, मतलब कहीं से भी कुछ भी कोई भी problem नहीं आई है, and it still looks so gorgeous. And next up I have to talk about this bra, जो कि essential है ही, तो ये ऐसे आपके पास में होनी चाहिए. These are strapless bra, और you know multi-purpose bra होती है, multi style कर सकते हो आप इनको इस तरीके से, and that's how it looks like. मैं इसके straps कभी लगा के पहनती नहीं हूँ, because इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ होता है. इतनी बार wash होने के बाद में तभी I wanted to show this to you, because मैं हर बार बहुत सारी चीजें मंगाती हूँ, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग ये वाला हॉल देखते हैं, तो उनके लिए शायद ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, कि लेते तो रहते हो लेकिन धोने के बाद में क्या हालत होती है उनकी. एंड लास्टली आई हैव दिस ब्यूटीफुल ब्रा राइट हियर, जिसमें है लेसी स्टफ. आई टोल्ड यू आई एम टोटली इनटू लेसी थिंग्स यू नो दीस डेज, एंड दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका लेस मटेरियल कहीं से भी कुछ भी कैसा भी, मतलब किसी भी तरीके से इसकी क्वालिटी को कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ है. इनको हैंड वॉश करना पड़ता है, दैट इज लाइक यू नो वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, अदरवाइज लुक एट द कलर, क्वालिटी, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर्ब. राइट, सो लॉन्जरी के साथ साथ मैंने कुछ एक नाइट वेयर्स भी लिए थे मेरे वेडिंग ट्रूजों में, और उसमें एक ये था जिसको मैं बहुत रिपीटेटिव बेसिस पर पहन रही हूँ. द मटेरियल इज सैटिन, और इसका ये ब्लू कलर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है मेरे स्किन टोन को. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसके ऊपर टी शर्ट डाल के मैं पूरे दिन निकाल देती हूँ, बिकॉज दैट इज हाउ वी रोल. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पर आपको साइड स्लिट मिलता है, और इसको मैं बहुत बार नई करके भी तकरीबन 20-30 बार तो ये वॉश में जा चुका होगा, और सोचो पहना कितना होगा. जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं ना, कहीं से कुछ भी नहीं है, टैग भी इंटैक्ट है, बहुत बार पहना है इसको, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. नेक्स्ट अप वी हैव 3 idiots राइट हियर, लेकिन तीनों बढ़िया, बहुत सही वाले इंटेलिजेंट भी हैं. दिस इज पैक ऑफ 3 panties, जो कि है ओडर फ्री एंड मेड अप ऑफ 100% कॉटन, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मटेरियल है. अगेन नो विलन्स, कुछ विलन्स की एंट्री है ही नहीं, वैसे उस मूवी में भी नहीं थी राइट. मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है. मैं पर्सनल फैन हूँ
इस तरीके के जो सेट्स आते हैं ना पैंटीज के, उनकी ज़िवामे की, इसमें आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल और भी कलर्स मिल जाएंगे, पैटर्न्स मिल जाएंगे. यू कैन चूज़ अगेन आपको किस तरीके के इडियट्स पसंद हैं या फिर किस तरीके के इडियट्स इंटेलिजेंट्स पसंद हैं आपको, उस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो. आई पिक दिस वन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4-5 सेट्स हैं जिसमें से 2-3 तो मैं निकाल भी चुकी हूँ यूज़ में. वेल गाइज, आई नो आप बहुत देर से वेट कर रहे हो 2 मिनट वाले हैक की. इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ जो आपके डीप बैक वाले टॉप्स होते हैं या फिर ड्रेसेस होती हैं, ब्लाउजेस होते हैं, उनके साथ में जो ब्रा का बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है. तो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज इस तरीके के अटैचमेंट्स आपको मिल जाएंगे इजीली. सो द मिनट यू ऐड दिस टू योर ब्रा बैंड ना, उससे क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा ब्रा बैंड और उसको आप नीचे की तरफ उसको टाई कर पाओगे, जिससे जो बैंड दिखने की प्रॉब्लम होगी जो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाएगी. एंड ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला है. दिस इज़ फॉर आई थिंक 100-150 रुपीज़, ईजिली ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पर मिल जाएगा. टू चेक दिस आउट. Now let's continue. Next entry मारी है sleepwear के hero ने, which is this mid-length night dress, which is in turquoise, not turquoise, but हाँ sea green या फिर sea blue type का color. और इसमें ना owl prints हैं all over. बहुत ही refreshing है ये वाला color. Daytime में भी मेरे जैसे लोग तो पहन ही लेते हैं. और इस बार मैंने इसीलिए, क्योंकि इसमें तो short भी नहीं आता ना, मैंने इस बार short set भी लिए हैं बहुत सारे, because short पहन के बहुत काम चला लेती हूँ मैं मेरे shoots वगैरह का. That is how it looks like. It's 100% cotton material. Again कुछ इस तरीके का cotton material ही आप प्रेफर करते हो सो दे टाइम पे, नाइट टाइम में. एंड इसमें आपको पॉकेट्स भी मिलते हैं एंड इट लुक्स सो 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 गुड. इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. जैसे कोई एक मूवी में 2 लीड एक्टर्स नहीं होते, वैसा ही कुछ मैंने येलो कलर का एक और मैंने नाइट ड्रेस ले लिया मिड लेंथ वाला, बिकॉज दे वर सो अफोर्डेबल एंड अभी सेल पे तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा चीप आपको मिलने वाले हैं. एंड इसका कलर है लेमन येलो. इट्स नॉट दैट ब्राइट, सो लेमन येलो कलर इसका है. और इसमें आपको आउल प्रिंट्स मिलते हैं. नाउ इसमें जो आउल्स हैं उन्होंने चश्मा वेयर करा हुआ है लिटरली. दिस इज एक्सट्रीम extremely soft to touch. इसमें आपको फ्रंट में पॉकेट्स मिलती हैं, which is again so good. मतलब you can keep your lip balm या फिर जो भी, मैंने लनेश का जो lip balm है ना वो मैं रख देती हूँ इसमें अगर पहनती हूँ तो, जो मेरे पास पहले था वैसा. एंड आई टोटली लव दिस. मतलब यू कैन लिटरली डांस इन दिस वन. मतलब दिस लुक सो गुड, फील सो गुड, मतलब रियली गुड. इन दोनों में मेरा साइज S है, स्मॉल. ये जवानी है दीवानी, किस किसकी फेवरेट है ये मूवी. जो नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है ये जवानी है दीवानी के नैना और बनी की, कबीर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. जितने ये मूवी में कंफर्टेबल थे ना बिल्कुल वैसा ही, स्वीट समर टाइम, यू नो, पिंक कलर में नैना और इसमें ये बनी. कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना ये शॉर्ट सेट, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इनका मटेरियल है 100% कॉटन. एंड इसमें मतलब टी शर्ट का मैं अलग से यूज़ करने वाली हूँ. मैं इनफैक्ट शॉर्ट भी ढूंढने वाली थी बिकॉज मुझे चाहिए थे. उनकी केमिस्ट्री भी उतनी ही अमेजिंग है जितनी कबीर और मतलब बनी और नैना की थी मूवी में. आई एम दी साइज एस इन दिस वन. और इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे जैसे ग्रे और ऑरेंज, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. मे बी कुछ और कपड़े बना लो आप. नेक्स्ट अप वी हैव DDLJ के राज एंड सिमरन, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. इनका मटेरियल 100% कॉटन है और बहुत ज्यादा ब्रीदेबल मटेरियल है. डे टाइम में भी आप उसको वेयर कर सकते हो. प्लस जो शॉर्ट की लेंथ है वो इतनी ज्यादा भी शॉर्ट नहीं है. मतलब इवन आफ्टर मैरिज इफ यू वॉन्ट टू, यू नो, हाउस होल्ड कितना ज्यादा काम होता है राइट, वो भी आप इजिली कर सकते हो विदाउट हैविंग टू वरी यार यू नो थाइस वगैरह दिख रही हैं या शॉर्ट इज टू शॉर्ट, ऐसा नहीं होगा. मैंने इसमें स्मॉल साइज पिक किया है और इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे. मैंने इसमें ये वाला कलर लिया है विच इज सो सूदिंग. मतलब समर डे टाइम में तो आई एम सॉर्टेड, मतलब बहुत ज्यादा कूल लगने वाला है इसको. तो अगर आप जींस के साथ में पेयर करके बाहर इधर उधर जा सकते हो. नाउ दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई हार्ट, क्योंकि शादी की शॉपिंग जब हमने करी थी पहले ही कर ली थी, ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन से पहले. लेकिन होता क्या है, वी टेंड टू बाय थिंग्स जो कि सिर्फ आंखों को बहुत अच्छी लगती हैं और प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो बिल्कुल जीरो होता है. शादी के बाद आउटफिट्स की बात करो तो ज्यादा फर्क तो होता नहीं है. प्लस कुछ ऐसी चीजें लो जिसको आप रेगुलरली बाद में भी वेयर कर सको, एंड दिस इज वन ऑफ देम. और ये है ब्लैक कलर की ऐसे टी शर्ट ब्रा जिसको आप क्रिस क्रॉस करके भी और टैंक टॉप्स के लिए रेडी कर सकते हो. दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें 1 लेवल का पुशअप है जो कि अगर आपको फुलर बस के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा. एंड इट्स ब्लैक बेसिक कलर, अगेन आपके पास में होना ही चाहिए. आई थिंक मैं बहुत कम ही आपको कुछ ब्लैक कलर में दिखाती हूँ, एंड इस हॉल में डेफिनेटली एक चीज थी मेरे पास में, सो दिस इज रियली गुड. और आपके पास में एक ब्लैक न्यूड इस तरीके की ब्रास होनी ही चाहिए. आप देखोगे यहाँ पे कट भी बहुत ज़्यादा डीप है, विच मीन्स जो मेरे ड्रेसेस होती हैं, जो मेरे गाउन्स होते हैं जिनका डीप कट होगा उसको भी मैं आराम से पहन सकूंगी. और क्रिस क्रॉस करने का भी ऑप्शन है, मतलब ये वार्डरोब स्टेपल्स हैं आपके, ये तो होना ही चाहिए आपके पास में. वेल, मैंने यहाँ पे बात करी है ब्लैक कलर की, लेकिन इसमें आपको 9 ब्यूटीफुल कलर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो ऐप या फिर वेबसाइट पे आप इसके कलर्स जरूर एक बार देखना. ओके, सो जिसके 2 फेसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट, राइट. सो डुप्लीकेट की एंट्री हो रही है इस ब्रा से जो कि है ये
reversible bra. So that's how it looks like. It's non-wired, non-padded, this kind of bra. जिसको आप सबसे पहले तो ये aqua blue color है आपके पास में, and then इसको reverse करते ही ये black और aqua blue के combination में इस तरीके की bra ready हो जाएगी. ये t-shirt bra है, बहुत ज़्यादा comfortable. Again यहाँ पे elasticated band आपको मिलता है for that proper support, you know, bust line पे. इसमें layers आपको मिलेंगी जो कि अच्छे से आपको coverage देंगी, लेकिन इसमें कुछ भी paddings वगैरह नहीं है, तो in case you're beginner, you can also try this out. Isn't it amazing? You get to try two bras of two different colors at just the cost of one. इसमें आपको दो तीन color options और भी मिलते हैं, which is peach and purple and peach and grey. I think ये वाला भी अच्छा है, in case आपको black avoid करना है या फिर aqua blue नहीं पसंद, तो आप peach purple या फिर peach grey वाला combination ले सकते हैं. जो night dresses, uncomfortable night dresses जो कि rashes देती हैं, बिल्कुल भी you know comfortable नहीं होती, उस तरीके के villain की band बजाने के लिए, उनसे fight करने के लिए हमारा next hero है ये light pink color की midi dress में. So that is how it looks like. इसकी जो length है ना वो is just perfect, मतलब just above knee, और मतलब perfect for you know cozy nights जब आप movie date plan कर रहे हो घर पे ही, you know. I think it's light peach and pink sort of color, और बहुत ही ज़्यादा comfortable है ये. It feels so good when you wear this thing, and I'm in the size small in this one. It's available in only pink color. Okay, so जो हमारा next hero है ना वो इतनी हेरा फेरी करता है ना straps की कि हमने इसको नाम ही दे दिया फेरेरा फेरी का. So this hero is in white color जो कि है cotton you know strapless underwired bra. So that is how it looks like. It gives you that perfect coverage, और you know straps की हेरा फेरी अगेन, आप इसके straps को निकाल कर क्रिस क्रॉस कैसे भी wear कर सकते हो. One shoulder है तो one shoulder पे strap लगाओ, it's totally up to your choice. और मैं तो अभी भी इस तरीके की bra मैंने पहनी हुई है, and इसमें कोई से भी straps नहीं है, because I generally मैंने उसको निकाल के ही रख देती हूँ और उसको साइड में रख देती हूँ, कभी किसी जरूरत होती है ना तब मैं पहनती हूँ. I have this in nude color, black color, and मुझे लगा एक white भी होनी चाहिए, and this is I think मेरी life की first white color की bra. So yeah, I mean that is how it looks like, and ये हर किसी पास में होनी चाहिए. This I would highly recommend to all of you, क्योंकि इसकी coverage भी बहुत अच्छी होती है, plus they stay on place for like you know really 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 good time. और cotton material है, again very skin friendly, और उसमें आपको different बहुत सारे colors मिल जाएंगे. You get reds, you get neons, you get pinks, you get browns, blacks. So many colors. So next हमारा hero है भाग मिल्खा भाग, because इसमें जो removable pads हैं ना, ये activewear category में आता है. This is sports bra जिसमें आपको removable pads मिलते हैं. So in case आप कोई हल्की फुल्की running करते हो तो you can have the pads on, and you know you want that kind of support जब आप running वगैरह करो या फिर gym hit करो तब भी, and when you are doing you know workout at home या फिर हल्का फुल्का yoga घर पे, तो उस time पे आप इसके pads भी निकाल सकते हो. This is 100% cotton, और elasticated band आपको मिलता है, which gives you बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही सही वाला सपोर्ट. इसमें आपको ना एक ब्लू कलर भी मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. मेरे पास डार्क कलर्स में ऑलरेडी थी, तभी मैंने ये वाला रेड कलर पिक किया है. इसके पैड्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन हैव देम ऑन एंड स्टिल डू ऑल द थिंग्स लाइक योगा, रनिंग एंड एवरीथिंग. लव दिस. लास्टली वी हैव दिस ब्रा राइट हियर व्हिच इज नेवी ब्लू इन कलर, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम टोटली इनटू लेसी थिंग्स दीस डेज, एंड मे बी आई एम मैरिड, दैट्स व्हाई. सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. एंड यहाँ पे ना आपको ग्रीन कलर की फिलिंग मिलती है, तो कप्स के ऊपर ना ये ग्रीन कलर हल्का सा सी थ्रू है, विच यू नो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा ये बहुत ज़्यादा, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है इस तरीके की ब्राज, एंड आई मतलब जो नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, क्योंकि इसका जो लेस मटेरियल है वो बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है, ऐसा हार्ड सा नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसको नॉर्मल जो डार्क कलर की टी शर्ट्स होती हैं उनके साथ में भी वेयर कर सकते हो. एंड इट हैज़ दिस यू नो मीडियम कवरेज टू इट, तो आई थिंक काफ़ी सही रहेगा. प्लस यू सी द डीप नेक, I totally love the lace detailing it has, and I'm in size 32B. Now this bra is also available in other colors like green, blue, dark pink. इसमें भी आपको मिल जाएंगे, तो dark pink भी आप try कर सकते हो, that hot pink. GLF Blockbuster में in case आपको 10% extra off चाहिए, then you can use this coupon code at the time of checkout at zivame.com. So एक और चीज़ which I wanted to talk about is Zivame की app पे अभी एक contest चल रहा है जो कि है 5 golden tickets जो इधर तो छुपे हुए हैं ना उनके app पे, उनको ढूंढने का, in case you want to participate and win. So उसकी सारी details will be linked in the description box below. Do check it out. This was my big fat अमेजिंग वाला ब्लॉकबस्टर ज़िवामे हॉल. GLF जो कि है ग्रैंड लॉन्जरी फेस्टिवल स्टार्ट हो रही है 16 सितंबर को रात को 8 बजे. यू कैन गेट अप टू 60% ऑफ एंड फ्री शिपिंग, और एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी इतनी स्मूथ है कि मजा ही आ जाएगा. अपने सारे हीरोज को कार्ट में डाल दीजिए इन केस वो सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, एंड दैट्स अबाउट इट. आई विल सी इन माय नेक्स्ट मंथ. टिल देन खुद रहने की, खुद से प्यार करिए. ब्लॉकबस्टर में कौन से ज्यादा हीरो अच्छे लगे आपको मेंशन करिए, और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच.